हम इस वक्त हैं बदलापुर पुलिस स्टेशन के बाहर और यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरह से बदलापुर में जो मामला सामने आया था उसके बाद शिवसेना के ये जो नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा वामन महात्रे नाम के जो एक नेता है जिन्होंने कल एक पत्रकार को लेकर अपशब्द कहे थे उसके भी विरोध में ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वामन महात्रे को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्टर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और इसमें लिखा गया है कि देवेंद्र मामा यू डिडंट गिव अस सिक्योरिटी, यानी कि देवेंद्र मामा आपने हमें सिक्योरिटी नहीं दी है। इसके अलावा आम्ही मतदार नहीं म्हणून आमच्याकडे दुर्लक्ष झाला, इस तरह की बातें भी यहाँ पर लिखी गई है। ये जो बिलबोर्ड्स लाए गए हैं, पालक मंत्री का भी इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। यहाँ पर लगातार ये जो कार्यकर्ता आए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट निकाला गया था उस स्कूल के बाहर से जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद पुलिस स्टेशन तक ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन आ चुका है। सुषमा अंधारे जो नेता है शिवसेना यूबीटी की वो यहाँ पर आ चुकी है और वो मांग कर रही है कि वामन महात्रे ने एक पत्रकार से दुर्व्यवहार किया, अपशब्द बोले और इसको लेकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हमारे पास वो शिवसेना के नेता जयेश वाणी जी हैं, उनसे बात करते हैं। जयेश भाई, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, नेता सुषमा ताई है और उनकी मांग बिल्कुल साफ है कि जब तक वामन महात्रे साहब के खिलाफ FIR दाखिल नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये महिलाओं के सम्मान का विषय है और महिलाओं का सम्मान पूरी तरीके से संभाला जाएगा, शिवसेना बनी इसीलिए, हम कायम है हमारी मांग पर। सुषमा भाई, मामला दर्ज करने में पुलिस इतनी देरी कर रही है? पुलिस से ही पूछिए आप, हमारी तो कोई रणनीति नहीं है, हम तो निहत्थे बैठे है। वे रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस क्यों FIR नहीं ले रही, वो पुलिस की दिक्कत है। हम बोल रहे हैं कि FIR लीजिए, वो बोलते हैं कि इंक्वायरी करनी है। तो कल जिन पेरेंट्स पर उन्होंने FIR की, क्या उनकी इंक्वायरी की थी? पेरेंट्स की तो इंक्वायरी नहीं की ना आपने। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मुख्यमंत्री ने बोलना तो वामन महात्रे का स्टेटमेंट एक खाली वस्तु तो बस खाली बस खाली पोलीस वाले असं म्हणतात की तुमचे तर शेजारी आहे म्हणून ते गुन्हा दाखल करून घेत नाहीये। तुमची तक्रार आहे की नाहीये? बालवडकर साहेब तुम्ही बोलले, एवढे कॅमेरे चालू आहे, तुम्ही चालला वक्ता बोलला बालवडकर साहेब, जे बोलले त्याच्यावरती कॅमेरे चालू आहेत। तुम्हाला तक्रार करायची आहे की नाही? सॅम्पल वरिष्ठ बोललेले आहेत त्यांना, आमचे सगळे वरिष्ठ बोललेले आहेत, आमच्या सकाळ दैनिक सकाळचे संपादकापासून त्यांना सांगितण्यात आलेलं आहे तक्रार दाखल करा, मात्र ते गुन्हा नोंदवून घेत नाहीयेत आणि मी ठाम आहे गुन्हा नोंद करून घेण्याबाबत। पत्रकारांनी घेतला सर्वसामान्य नागरिकांनी करायचं काय? एवढे लोक असताना जर एक FIR होत नाही, सामान्य शिंदे साहेब आपल्या कार्यकर्त्यांना पाठी, कोण आता पॉलिटिकल मोटिवेटेड करतय, कोण चिघळवतय प्रकरण? शिंदे साहेब का प्रकरण चिघळवतात? का वामन महात्रे असा कोण आहे इतका महत्वाचा त्यांचा? कोण आहे वामन महात्रे? का इथले सगळे दोन नंबरचे धंदे सांभाळणारा वामन महात्रे आहे का? का इथला सगळा कलेक्शन करणारा वामन महात्रे आहे का? का वामन महात्रेला अटक होत नाही? ये कहा जा रहा है कि वामन महात्रे की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि मामला दर्ज ना किया जाए, ऐसा अभी आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता छोड़िए, खुद फिरियादी बोल रही है कि प्रेशर है, खुद फिरियादी का कहना है। पुलिस को पूछिए कि क्यों नहीं मामला दर्ज किया जा रहा है। व्हाइट पेपर चाहिए हमें, महिला अत्याचार का व्हाइट पेपर दीजिए। पिछले 10 सालों में से 7.5 साल फडणवीस साहब गृह मंत्री के रूप में है और फडणवीस साहब के रहते ही यहाँ पर महिला लैंगिक अत्याचार की केसेस अधिकतम मात्रा में है। तो हम चाहते हैं कि फडणवीस साहब महिला लैंगिक अत्याचार के मामलों का व्हाइट पेपर श्वेत पत्रिका हमें दे। हर दिन 90 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, NCRB की रिपोर्ट आई है। देखिए अभी आप ही बोल रहे हो, अगर आपके पास इतनी पुख्ता जानकारी है, इतना स्टैटिस्टिक डाटा है और आप ही देख रहे हो कि इतने सारे लोगों के बावजूद हम इतनी विनम्रता से मांग कर रहे हैं,
हमने एक भी घोषणा पुलिस के कानून के खिलाफ नहीं दी है। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। और ये सारे जो भाई साहब है, ये हमारी एक FIR तक नहीं ले रहे। अभी बालवडकर साहब बोल रहे थे कि वो उनके पड़ोसी है। क्या पड़ोसियों को यह आज़ादी मिलती है छेड़खानी की? अरे भाई, खुद का पिता भाई कोई भी हो, चचेरा ममेरा कोई भी हो, अगर वो भी छेड़खानी करता है तो वहाँ बिल्कुल FIR होनी चाहिए। और अगर जैसे वो कह रहे हैं कि पहले हम इंक्वायरी करेंगे, हमें प्री इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो हम आपके सामने बालवडकर साहब को और सारी डिपार्टमेंट को पूछना चाहते हैं कि कल जो पेरेंट्स आए थे, जिन्होंने सवालात उठाए थे, जिन पेरेंट्स को आपने हिरासत में लेने की कोशिश की, जिन पर लाठी चलाई, जिन पर FIR की, क्या उनकी प्री इंक्वायरी की आपने? उनकी बिना प्री इंक्वायरी आप कैसे बोल रहे हो कि बदलापुर के बाहर से आए थे? हम जो लोग बैठे हैं वह धर्मवीर दिघे साहब के लोग हैं, हम जो लोग बैठे हैं वह बाला साहब ठाकरे के लोग हैं, हम ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते हैं। ये शिंदे साहब जो है, ये गिरीश महाजन जैसे लोगों से शायद ऐसी ओछी हरकतें सीख गए होंगे, हमें ओछी हरकतें नहीं आती है। CCTV फुटेज भी गायब है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब आप देखिए, फिर भी बालवडकर साहब हम ही को बोल रहे हैं, अभी क्या करें हम? बयान जो दिया वह वामन मात्रे ने जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। लोगों पुलिस ने लाठी हल्ला किया। आप लाठी चलाएंगे हर बात में? हमने कुछ भी पूछा तो आप लाठी चलाएंगे? मराठा आंदोलक आए, आप लाठी चलाएंगे? देहू आलंद दिबे वारकरी आए, आप लाठी चलाएंगे? बारसू रिफाइनरी में आंदोलक आए, आप लाठी चलाएंगे? कल हमने हमारे बच्चों को लेकर, मेरी बच्ची 7 साल कक्षा 2 में पढ़ती है, कंसर्न है माँ के तौर पर जी। तो आप लाठी चलाएंगे हम पर? ठोकुन काड़ा बोलेंगे तो ठीक है भाई, ठोक के निकालो हमें। पर हमें ठोकते समय जिसकी वजह से कल पूरा मामला जो है बिगड़ गया था, वो वामन महात्रे कहाँ पर? उस वामन महात्रे पर अब तक FIR क्यों नहीं हो रही है? पुलिस हमको इतनी बार बोल रही है, यह पुलिस किसके प्रेशर के तले काम कर रही है? 300 लोगों को आपने अरेस्ट किया, क्या उनकी प्री इंक्वायरी की? नहीं की। तो जो आप बालावडकर साहब थे जो यहाँ बात कर रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वामन महात्रे की प्री इंक्वायरी करनी होगी? क्यों वामन महात्रे की प्री इंक्वायरी करनी है? और 300 लोगों की प्री इंक्वायरी नहीं थी क्या? उन 300 लोगों को बिना इंक्वायरी के आपने कैसे अरेस्ट किया? सवाल पूछना गुना है जी। इस देश में हम सवाल नहीं पूछ सकते? अगर सवाल पूछेंगे तो आप हमें हिरासत में लेंगे, तो लीजिए भैया, चलिए आ बैठे यहाँ पर, क्या हिरासत में लेना है लीजिए। हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई गाली गलौच नहीं करेंगे, कोई घोषणाबाजी नहीं करेंगे, हम बैठे हैं यहाँ पर, बस हमें FIR चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इतना ही। गिरीश महाजन कह रहे कि कितने जल्दी, गिरीश महाजन यार वोस्टर कौन है गिरीश महाजन? मैंने सुबह भी कहा, आप जब ऐसे पत्ते की रम्मी खेलते हो ना, और आपका जब दांव बनता नहीं, आपका गेम नहीं होता, आपको गेम शो करना पड़ता है और आपको पत्ता ही नहीं मिलता है, तो आप एक जोकर को लेते हो और पत्ता शो करते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि गिरीश महाजन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या गिरीश महाजन होम मिनिस्टर है, क्या गिरीश महाजन हेल्थ मिनिस्टर है, कौन है? सरकार में मंत्री है वो, ये क्यों, वो क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये सवाल वो क्यों बोल रहे हैं? महिला बाल कल्याण मंत्री कहाँ पर है? महिला बाल कल्याण कमीशन का अध्यक्ष कहाँ पर है? होम मिनिस्टर कहाँ पर है? गिरीश महाजन क्यों? और अगर गिरीश महाजन सब संभाल सकते हैं ना, तो सारे खाते गिरीश महाजन को दीजिए, चले मान लेते हैं। उनका जो ये कहना कि इतने कम समय में बैनर पोस्टर वहाँ पर आ गए, लाड़की बहन योजना का बहिष्कार वाले बैनर पोस्टर इतने कम समय में आ गए, प्रायोजित लग रहा है, ये उनका आरोप है। तो ये सारे सवाल रामगिरी के वहाँ आंदोलन होते समय नहीं आए थे दिमाग? रामगिरी के पीछे जब खुद एकनाथ शिंदे जाकर बोले कि मैं आपके पीछे आपका बाल नहीं बाका होगा, तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं लगा? खुद मुख्यमंत्री ने जहां पर दंगा हो सकता है, जो दंगा फसाद होने की वजह हो सकते हैं, उनके पीछे जाकर खड़े हुए, तब पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था वो? बेवजह जब कोई फाइल्स, अरे भाई आप केरला फाइल्स निकाल रहे हो, कश्मीर फाइल निकाल रहे हो, चलो बदलापुर फाइल निकाल लो। बहुत पिक्चरें बनाने का शौक है ना एकनाथ शिंदे साहब को, तो बदलापुर फाइल निकालो, अब आप बदलापुर फाइल की एक फिल्म निकालो आप। तो सुषमा ताई अंधारे और शिवसेना UBT के नेता यहां पर आए हुए हैं और ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो वामन महात्रे हैं उसे गिरफ्तार किया जाए, और जिस तरह से पेरेंट्स के ऊपर जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को वापस ली जाए। तो इस वक्त बदलापुर पुलिस स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस भी तैनात है और साथ ही साथ शिवसेना UBT के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और
वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वामन म्हात्रे पर FIR दर्ज की जाए। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।